नहाते समय, स्विमिंग करते समय या फिर मुंह धोते समय कई बार हमने ऐसे देखा है कि कान में पानी चला जाता है, और बच्चों के कान में पानी चला जाता है तो बहुत परेशानी होती है। और तो और कान में पानी चले जाने पर कान से आवाजें भी आने लगती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सुनाई भी कम देने लगता है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताने वाली हूँ जिससे कि कान में पानी चला जाने पर उसको तुरंत ही निकालने के उपाय मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेचुरल ब्यूटी। वीडियो शुरू करने के पहले, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला तरीका है जंप करना। अगर आपके कान में पानी चला गया है तो जिस कान में भी पानी गया है उस डायरेक्शन में अपने कान को झुकाकर और कान को थोड़ा सा खींचकर 5 से 6 बार जोर जोर से जंप करना है। 5 से 6 बार जंप करने से ही पानी अपने आप तुरंत निकलकर बाहर आ जाएगा। सेकेंड तरीका है सिर को झुकाकर। जिस कान में भी पानी गया है उसी डायरेक्शन में सिर को झुकाकर गर्दन को हल्का सा झटका देना है। गर्दन को हल्का सा झटका देने से कान का पानी तुरंत ही बाहर निकलकर आ जाएगा। तीसरा तरीका है लिटाकर रखना। जैसे कि छोटे बच्चों के कान में पानी चला जाता है तो बहुत परेशानी होती है, तो उनके लिए हमको ये करना है कि उनको जिस कान में भी पानी चला गया है उसी डायरेक्शन में उनको 5 से 10 मिनट के लिए लिटाकर रखना है, पानी अपने आप ही निकल कर बाहर आ जाता है। चौथा तरीका है कान को जोर जोर से हिलाना। जिस कान में पानी गया है उस कान को नीचे के डायरेक्शन में झुका कर गर्दन को जोर जोर से हिलाना है ताकि पानी बाहर निकल आए। इन चारों तरीकों में से जो मैंने खुद के ऊपर तरीका आजमाया है वो है जंप करने का। पानी चले जाने पर मैंने बस कान को खींचकर 5 से 6 बार जंप किया और पानी पूरा का पूरा ही बाहर निकल कर आ गया था तुरंत ही। तो आप भी इन तरीकों को आजमा कर देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय। We'll be right back.